हाँ जी बेटा, टुडे वी हैव टू डू फर्स्टली द रिमेनिंग क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। नो डाउट द चांस ऑफ कमिंग दीज क्वेश्चंस आर जस्ट 1%, बट फिर भी हम छोड़ते कुछ नहीं है। ओके, नाउ एक्सरसाइज टू है, वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, रिवीजन जो है ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड एक्सरसाइज वी आर डूइंग 11.2 एंड द क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग 6। ओके, हाँ जी, व्हाट दिस क्वेश्चन 6 इज, फर्स्टली वी रीड इट, आफ्टर देन वी कैन ड्रॉ इट। स्टेप्स लर्न करो, इसमें स्टेप्स क्या है। कल जो मैंने बताया था क्वेश्चन, आपको एक ही चीज बताई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, हम क्या करते हैं, सेंटर सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। नया सेंटर जो आता है, नया मिड पॉइंट जो आता है, और पुराने मिड पॉइंट मतलब पुराने सेंटर से दोनों का डिस्टेंस देखते हैं। नए सेंटर, जो नया सेंटर मतलब जो मिड पॉइंट आया, वहां पर कंपास रखते हैं, पुराने सेंटर तक ओपन करते हैं, एक नया सर्कल ड्रॉ करते हैं जहां पर वो पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एक्सटर्नल पॉइंट से, वहां पर हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। हमने ये कल मेथड सीखा था, वही मेथड आज नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा। हमारे पास लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच, मेरे पास जो है वो राइट ट्रायंगल है, ये लीजिए, राइट एंगल एट बी दैट इज गिवन टू मी, एंड ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, दिस इज 90 डिग्री, हाँ जी बेटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले बेस हमने 8 सेंटीमीटर लिया और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये यहां पर 90 बनाया, ये मेरे पास 90 हो गया, और यहां पर 6 काटी और ये अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अब मुझे एक बीडी ड्रॉ करनी है, दे राइट कि ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू जो है ऑन एसी। वो कहते हैं कि अगर ये एसी है ना तो ये बी है, अब यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जब भी आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कढ़ाई वाला मेथड, ना बाउल वाला मेथड, कढ़ाई वाला मेथड। क्या करते हैं, कंपास यहाँ कर रख के कितना को ओपन करते हैं कि यहाँ एक आर्क उसको दो जगह पे कट कर सके। ओके, जब कट की कंपास यहाँ रखी, इस जितनी आर्क लगाइए इसे हाफ से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर, और फिर इधर कंपास रखी एक आर्क इधर, और इस पॉइंट से जब आप ज्वाइन कर दोगे ये किसी ना किसी पॉइंट पे एसी को इंटरसेक्ट करेगी, और वो पॉइंट होगा डी, आप देखोगे तो ये 90 डिग्री 100% हो। बात समझ आई, क्लियर, ये पता चल गया कंस्ट्रक्शन का सबको। अभी मैंने बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, अब मैंने बी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब लाइन के ऊपर नहीं है, अगर लाइन के ऊपर होता ना तो मैं सीधा वहां 90 डिग्री बनाती, ठीक है, मेरे पास ये लाइन के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन पे जब भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, मतलब कंपास यहां रख के इतनी को खोलनी है कि ये एसी को दो पॉइंट्स पे जाके क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब ये एक यहां इंटरसेक्ट किया है कि यहां, अब कंपास ओपन की, ठीक है, जितनी आंख लगाई है ना उसे हाफ से ज्यादा ओपन कर ली, जब आपने ओपन किया
तो एक आंख इधर से लगाई इधर आई उतनी ही सही जितनी ओपन की हुई है, कंपस यहां रखी और एक आंख यहां लगा, ये इंटरसेक्ट करेगा 100%। ठीक है, अब बी पॉइंट से इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को मीट करवा दो तो ये पॉइंट डी आ जाएगा, आ गया। अब उसने कहा कि मुझे बी डी सी से एक सर्कल पास करता ड्रॉ करो। मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था अगर हमने एक सर्कल बनाना है ना तो मुझे सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। अब वो रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड आउट करती हैं, ये सर्कमस्क्राइब एक बनाना है ना, इस पे सर्कल हमने सर्कमस्क्राइब करना है ना। जब भी सर्कमस्क्राइब करना होता है ना किसी भी ट्रायंगल पे, क्योंकि बी डी सी एक ट्रायंगल बन गए, ये हम आगे लोअर क्लासेस में 9th में करवाते थे बच्चों को, ठीक है, अब वो नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आप किसी भी दो साइड्स का जिस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करना है किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है एक लाइन का कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं, आप ऊपर एक नीचे, फिर इधर से एक ऊपर एक नीचे, इसको ज्वाइन किया ये एक लाइन बनी, ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया ये आ गया। अब ये सेंटर आ गया, ये सेंटर है सर्कल का, किसी भी वर्टेक्स तक कंपास ओपन कर लो वो उतना इतना ये रेडियस होगा, बराबर ही होगा सब जगह देखना, सेंटर का मतलब ही है सेंटर पॉइंट ना, है ना। तो अब यहां तक कंपास ओपन की, कंपास की पिन यहां रखी है, पेंसिल यहां रखी है, सर्कल आपका ऐसे बन जाएगा 100%। समझ आई, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, बस जैसे वो कह रहा है कर ही जाओ। अब हाँ जी, मैंने आपको कहा किसी दो साइड्स का, चाहे आप बी डी ए सी का, बी सी का बना लो, आप बी डी डी सी का बना लो, आप डी सी बी सी का बना लो, इट इज अप टू यू किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, अपने सर्कल ड्रॉ, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं। अब उसने कहा ए पॉइंट से इस सर्कल पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। एक्सटर्नल पॉइंट है ना, क्या करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, सेंटर इसको ज्वाइन करते हैं, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नया सेंटर पुराने सेंटर तक कंपास ओपन करते हैं, फिर ऐसे सर्कल बनाते हैं, ये इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। आप देखोगे एक वो ही वाली होगी, ए बी वाली लाइन ही होगी, ये डिफरेंट होगी मेरे पास बेटा, ए बी वाली ही एक होगी, क्योंकि वो यहाँ 90 है ना, तो वो आपको पता है टेंजेंट एंड रेडियस वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो होगा ही होगा, वो जरा से भी चेंज नहीं होगी। यहाँ नया टेंजेंट ड्रॉ होगा इस तरह, बस काम खत्म। इन दोनों की मेजरमेंट कर लो, वो सेम आई, खिचड़ी पकती है पकने दो, डजंट मैटर, वो मिक्स सा हो जाता है सारा कुछ। कोई मैं बच्चों को ये कहती हूँ पहली वाली जितनी लाइंस है ना डॉटी ड्रॉ करो, आपको पता है आपको उसका कुछ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली हमें बाद में क्या चाहिए, लेंथ ऑफ दैट, एक ट्रायंगल को पूरा बनाओ और एक टेंजेंट्स को पूरा पूरा बनाओ, बाकी सारी चीजें डॉटेड शो करो, कोई खिचड़ी नहीं पकेगी। समझ आ गया सबको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दे हैव गिवन कि ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, मतलब आपको सेंटर नहीं पता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ ए सेंटर, आपको जो है एक सर्कल बैंगल से बनाना है, और फिर उसने कहा है टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, नाउ कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू ए सर्कल। अब सर्कल का सेंटर ही नहीं पता हमें, तो क्या करें, क्या करें, सबसे पहले सेंटर पता होगा तो काम होगा ना। एक सर्कल मैंने बैंगल से बनाया, पॉइंट मुझे आउटसाइड पता है, मैंने यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं, तो पहला काम है मेरा सेंटर ढूंढना। एक सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल दो कॉर्ड्स, बट ट्राई करो कि ये कॉर्ड पैरलर ना, जब पैरलर हो जाते हैं आपको सेंटर का वो नहीं पता पड़ पाता, वो सीधी लाइन आ जाती है, तो सेंटर ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट
नहीं पता चलता है। तो कॉर्ड्स को पैरेलली ड्रॉ नहीं करना। कोई बच्चे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं दो, ऐसे डजंट मैटर, पैरेलल नहीं होने चाहिए। आप दो चाहे एक जगह इंटरसेक्ट करते कर लो। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रायंगल है सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम यहां वो मैंने खुद ही ड्रॉ कर लिया, ये लो मैंने दो साइड्स बना ली एक ट्रायंगल की, है ना, कोई भी बड़ी छोटी जैसे मर्जी बना लो डजन। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जहां ये मीट करेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेंटर ऑफ सर्कल को आउटसाइड द पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इस लाइन सेगमेंट का नया सेंटर ढूंढेंगे, नए सेंटर से पुराने सेंटर पे कंपस ओपन करेंगे, यहां कंपस रखा इतना रेडियस लेके एक नया सर्कल बना, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से जहां वो इंटरसेक्ट करता है वो क्या बन गए, टेंजेंट, एंड इनकी लेंथ सेम ही आ गई। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हां जी, ये हमारा जो चैप्टर है बेटा बेसिकली कंस्ट्रक्शन का विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। ओके बेटा, मार्क्स पे डिपेंड है। इफ इट, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि लिखा है नहीं लिखा है, अगर 2 मार्क्स से ज्यादा 3 या 4 में कंस्ट्रक्शन है तो यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो एंड यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ऑल्सो। पेपर में एक ही कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ है, जो सैंपल पेपर मैंने देखा है उसमें चॉइस है और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वो क्या है, एक वो जहां पर टेंजेंट्स जो है वो मीट करते हैं किसी एंगल पे, है ना, और दूसरा यही वाला पेयर ऑफ टेंजेंट कंसेंट्रिक सर्कल है और एक से दूसरे सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ है, ही ये क्वेश्चन है और कोई है ही नहीं, लाइन वाला है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 मार्क्स का एक आ जाए और 2 मार्क्स का दूसरा आ जाए और वो 2 में 2 पार्ट्स बन जाए। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन आर कंबाइंड चैप्टर, वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है, तो लिटिल बिट चेंजेस हो सकती, कोई घबराने वाली बात नहीं। ओके, चलिए लेट अस डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, सर्कल पर बेस्ड एंगल निकालने वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आता है ना, एंगल निकालने वाला। उसके लिए आपको ना 9th की भी कुछ थ्योरम्स के बारे में पता होने चाहिए। ओके, आज मैं वो सिर्फ पहले थ्योरम्स बताऊंगी, क्योंकि सारी टेक्निक्स आपको पता होगी तो आप एंगल निकाल सकते, अदरवाइज आप, और एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में ना कोई फिक्स मेथड नहीं है, मैडम ने ये कह दिया तो वही मेथड, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उस टाइम पे माइंड यूज करके कि कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर बहुत सारे मेथड से निकल। वो टेक्निक्स हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे। डोंट टॉक बेटा, ओके। सबसे पहले मेरे पास जो टेक्निक, सीधे बैठे बेटा, कॉपी पेन कुछ, हितांशु, हाँ जी, सबसे पहले जो हमने टेक्निक याद रखनी है कि अगर मैं एक सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूं, ओके, तो सेंटर वाली लाइन अगर इन पेयर्स ऑफ टेंजेंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और फिर सेंटर पे भी ये जो लाइन है इस पूरे सेंटर वाले एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर सम ऑफ, मेरे पास जो है सम ऑफ पेयर्स ऑफ मेरे पास एंगल्स, अब ये कौन से एंगल्स, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल एट द सेंटर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर,
ओ सप्लीमेंट्री, सॉरी बोलना सप्लीमेंट्री था, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके दैट मींस कि मेरे पास हो गए इन दोनों का सम कितना है 180, क्योंकि एंगल निकालने में ये बहुत यूज होते हैं। क्लियर बेटा? पहले ये कॉन्सेप्ट पता चल गया सबको। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है एंगल कैलकुलेट करने का, जो बच्चे भूल चुके होते हैं, वो क्या है? अगर ये सर्कल है, ओके, ये मेरे पास टेंजेंट है, यही पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में कोई कॉर्ड है, तो एंगल विच द टेंजेंट एंड द कॉर्ड मेक है ना, दैट इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। बोथ एंगल्स आर सेम, अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल नहीं अल्टरनेट होते, अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब है देखो ये एक सर्कल का सेंटर है ना, ये पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इधर ही और एक दूसरी तरफ, हम इस सेगमेंट को कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, उल्टा सामने वाला बचा हुआ, हम एक नाम दे देते, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमेशा इक्वल होता है, मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, हम इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम के हिसाब से, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, हम ऐसे वर्डिंग लिखते हैं। क्यों मैं फिर बता रही हूं, ये कॉर्ड है एक सर्कल, ठीक है, ये टेंजेंट है, इन दोनों का एंगल, अब ये कॉर्ड मिला के यहां कहीं एंगल बना रही है तो ये दोनों सेम होंगे, कई बार ये ड्रॉ भी नहीं किया होता, हमें खुद ड्रॉ करना पड़ता है, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप देखोगे, ठीक है। फिर दूसरी है डिग्री मेजर थ्योरम, वो क्या कहते हैं, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है दैट इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब अगर ये मेरे पास 120 है तो इस खुद देखो ये छोटा है ना, है ना, मैंने कहा था ये एंगल इसका डबल होता है, है ना, तो ये 60, ये इसका हाफ, ऐसे याद कर लीजिए, क्लियर। तो मेरे पास जो है ये भी क्वेश्चन मेरे पास जो है बहुत बार ये वैल्यू निकालनी यूज हो जाती है। ओके फिर एक होता है, अच्छा मेरे पास जो है एक और होता है कि अगर तीन ये है डायामीटर, डायामीटर के साथ मेरे पास एंड पॉइंट से ये लार्जेस्ट कॉर्ड है ना, इसको कहीं ना कहीं मीट करूं तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, ये सारी चीजें नाइन्थ में की है ना, वैसे नाइन्थ की ही नहीं हमने, चलो दैट्स गुड इफ यू हैव डन इट। चलो और मेरे पास हो गए ये हो गया 90 डिग्री हो गया, बाकी जैसे जैसे आएगा आई विल टेल यू कि ये चीजें होती हैं। ओके चलिए जाओ जी जाओ, हाँ जी अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दिया नहीं है अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो सब में यूज होगा दे, हाँ ओके चलिए बेटा लेट अस डू, बेटा प्लीज पे अटेंशन, हाँ जी अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाना, अच्छा एक और एक रह गया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्वाड्रिलेटर के 4 के 4 मेरे पास जो वर्टिसेस है वो सर्कल के ऊपर, तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 इन दोनों का और इन दोनों का। ओके बेटा जी अब लेट अस डू, मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है सर्कल का, उन्होंने क्या दिया हुआ है, If angle between the two radii of the circle, अब देख लो वो सेंटर वर्ड नहीं यूज कर रहा, वो कहता है कि सर्कल के दो रेडियस के बीच में अगर एंगल 130 है then what will be the angle between the tangent जो है at the end points of the radii, वो कहता है कि रेडियस के एंड पॉइंट पे
अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो इनके बीच में एंगल कितना हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री। मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर बन जाती है, ये 90 ये 90, हमने जब मैंने गलती से कॉम्प्लीमेंट्री बोल दी, याद आ गया। हाँ जी, तो आंसर इज 50। ओके जी, क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, दे राइट की इन द फिगर, मेरे पास हो गए फिगर दी हुई है, द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स ए पी। फिगर पहले हम देखते हैं कि मेरे पास क्या दी हुई है, ए पी और क्यू और ये सेंटर है। ओके, उन्होंने कहा कि फिगर में मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए विद सेंटर ओ, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मेरे पास 90 डिग्री दी है। अब उन्होंने कहा है कि और जो टेंजेंट की लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है, उन्होंने कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से देखना, मुझे पता है अगर मैंने ये रेडियस ज्वाइन किया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, कर दिया, अब मुझे ये निकालना है, क्या करूं, पाइप ना मुझे ये दिया ना मुझे ये दिया, मुझे दिया ही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे। यस, ट्रिग्नोमेट्री। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पर कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। देखो ये 90 है, मैंने आपको बताया था सेंटर से टेंजेंट के बीच में हम अगर ज्वाइन करते हैं ना तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये 45 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी विद दिस बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। मुझे पी बाय बी चाहिए, यानी पी बाय बी टेन थीटा, दैट इज 45 डिग्री, और 45 क्या आता है 1, और परपेंडिकुलर मतलब रेडियस, बेस इज 5, आर की वैल्यू कितनी आ गई, पता चला। सर्कल्स में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखा जाए तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी, यूज किया ना हमने। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज। चले बेटा आगे, राइना एनी डाउट बेटा, बेटा इसको ये दी नहीं मुझे, दैट इज नॉट गिवन, मुझे ये साइड गिवन है, मतलब नीचे कैसे आप कह रहे हो ऐसे ज्वाइन कर दूं नीचे, तो कर लो ऊपर वाली ले लो ट्रायंगल या नीचे वाली, रहना तो सेम ही आंसर, वो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, जितनी मैंने अभी आपको नाइन्थ की थ्योरम, डिग्री मेयर ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम, सारा कुछ यहां पर यूज होगा, लेट अस सी। हां जी, इन द फिगर मेरे पास उसने कहा है, ये फिगर दी हुई है बेटा, ये पी टी टेंजेंट दिया हुआ है इन दिस, और उन्होंने कहा पी क्यू इज द कॉर्ड एंड पी टी इज द टेंजेंट एट पी सच दैट एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी आर, आर एंगल आर पॉइंट यहां दिया है, ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, हाँ जी, क्या करेंगे सोचिए जरा, व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू बेटा, क्या करेंगे यहां पर, सोच सकते हो, आई नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। हाँ जी, इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे मुझे ये पता है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये वाले, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है
दैट इज फॉर्मड इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दोनों एंगल्स क्या होते हैं सेम, ये भी आ गया 60। अब क्या करें, ये पी आर क्यू एस ले लें, ये पी आर क्यू एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ आई, क्लियर जी, बात क्लियर है सबको बेटा, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, 60 को तो यूज किया इधर, ये नहीं होता तो मैं यहां 120 के सम 180 कैसे लगा पाती। समझ आ गई बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन बच्चे बेटा, चलिए दैट्स नाइस। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार आएंगे। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप रेडी रहना मेरे को आंसर बताने के लिए, मेरे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th है, एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पलर बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इफ टू रेडियाई ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 and 5, मेरे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेम सेंटर, एक 4 और एक 5, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज, मैंने एक कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो कि टेंजेंट है दूसरे सर्कल पे, इसकी लेंथ क्या है, इसका रेडियस मुझे 4 दिया छोटे सर्कल का, बड़े सर्कल का 5 सेंटीमीटर दिया, मुझे निकालना है ये पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब आपको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस कॉर्ड को क्या करता है, डिवाइड, जितना ये है उतना ही ये है। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 25 - 16 = 9, ये कितना आ गया 3। अब 3 का डबल कर दो कितना आ गया, है कोई मुश्किल? चलो अब अगला करते हैं, ठीक है, देखते हैं आप कितना का बताते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूं, एक्सरसाइज 9.2, चैलेंज फॉर यू, ओके। हां जी, इन द फिगर, मेरे पास ये फिगर दी हुई है बेटा, पहले कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। चलिए, दे राइट हियर एंगल ए ओ बी इज 125 डिग्री, फाइंड एंगल सी ओ डी, ये एंगल फाइंड, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ओ माय गॉड, अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट होते तो ये लाइन स्ट्रेट होती, ये लाइन स्ट्रेट होती, यहां पर कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं, किसके, मैंने आपको पहले ही कहा इट्स ए चैलेंज फॉर यू, हार गए, ये लाइन लो और टेढ़ी कर देती, ये बात सही है मैम, आपने बनाई गलत है पुत्र जी, ये स्ट्रेट होती तो ये ऐसे जाती, मैंने तो बहुत दूर बनाई थी बेटा जी, ये लो
द बुक आई एम हैविंग, वो वहां बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। मैं डिग्री में ही कहा, अरे कहां कॉर्ड है, कहां सेंटर गए, अगर स्ट्रेट होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। हाँ जब नहीं आता होता तो आउट ऑफ सिलेबस। यस तान्या मैम, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। हाँ जी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे 125। बिल्कुल जी, क्योंकि हमने एक थ्योरम की है सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में बहुत डिफरेंस होता है। लीनियर पेयर इज रॉन्ग। आपको याद है, एक सेकेंड, आपको याद है हमने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटर है, सपोज आई एम हैविंग दिस क्वाड्रिलेटर और यहाँ पर एक सर्कल है, अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स को मैं ऐसे ज्वाइन करती हूँ तो जो दो एंगल सेंटर पे बनते हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हमने पढ़ा था है ना। तो दैट मींस इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो 180 में से 125 माइनस कर दो, यू विल गेट द सेम हियर। ओके जी, हमने प्रूफ किया क्वेश्चन।